कुमार जी के बारे में मैं दिन भर बात कर सकता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शुरुआत की जो मेरी शिक्षा थी पंडित पिंपल खरे बुआ की यहाँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम में सीखता था और मुझको क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जो स्कूल में चलता था इंग्लिश गाने या पॉपुलर जो उस टाइम के गाने थे वही मैं सुनता था, और तबला भी सीखता था। पर मैं जब दूसरी कक्षा में था तब मेरी जो क्लास टीचर थी उन्होंने मेरे पिताजी और माताजी को बुला के ये कहा कि राहुल तो बेंच पे तबला बजाता है और स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, तो आप देखें अगर उसकी स्कूल आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसका तबला। तो इस वजह से मेरा जो तबले का शिक्षण था वो उस क्लास से मुझको मेरे पिताजी ने और माताजी ने निकाल दिया, यानी वो डिसकंटिन्यू हो गया और मुझको बहुत ज़्यादा उसका दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और मुझको जैसे मैंने कहा कि गाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो हमारे पिंपलखरे बुआ के यहाँ मैं जहाँ बैठता था उसके सामने एक घड़ी थी, बड़ी सी वॉल क्लॉक थी, और मैं एक एक मिनट गिनता था कि अभी कब 9 बजेंगे और कब मैं इधर से छूट जाऊंगा। तो 6 साल मेरे पिताजी ने देखा और ऐसा उनको लगा कि अरे इसको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो लेट्स नॉट फोर्स दिस ऑन राहुल। मेरा जो क्लास था वो बंद हो गया उसके बाद। और आई स्टिल रिमेम्बर, एक बात बताता हूँ मैं पहली, कि कुमार जी और मेरे दादाजी बहुत घनिष्ठ मित्र थे, यानी अगर आपने कुमार जी की बहुत पहले वाली जो ईपीज हैं शंकरा हो या भाग्यश्री हो संजारी हो, तो उसमें जो तबला है वो मेरे दादाजी ने बजाया था। तो शुरुआत में वो बहुत तबला बजाते थे। तो अगेन कमिंग बैक टू कुमार जी, 11 जनवरी 12 जनवरी 1992 मुझको वो दिन अभी याद है। उसके बाद 13 जनवरी को सुबह मैंने टीवी पे ये न्यूज़ देखी कि कुमार जी हैज़ पास्ड अवे, एंड आई टोल्ड माय फादर बिकॉज ही शेयर्ड अ वेरी क्लोज बॉन्ड विद कुमार काका जी। हमारे घर में सब कुमार काका ही बुलाते थे। तो उसके बाद 2 महीने बाद मेरे पिताजी देवास गए थे और जब वो आए तो 2 कसेट लेके आए थे, और हमारे घर में एक नया कुछ 2-in-1 या कुछ ऐसा आया था और कोई घर पे नहीं था, और मैंने वो उसमें से जो एक कसेट है वो ऐसे ही लगा दी। और मुझको अभी याद है कि जो भजन मैंने सुना था, सुनता है गुरु ज्ञानी, और मैं सुनता ही रहा, एंड आई वॉज ड्रॉन टू दैट सुर। मुझको पता नहीं क्या हुआ, मुझ में एक बदलाव सा आ गया पूरी तरह, और मैं पागल हो गया। मुझको कुमार जी जैसा सुर लगाना था। मेरे लिए संगीत कुमार जी से शुरू होता था और वहीं पे आके ख़त्म होता था। उसके आगे मेरे दादाजी हो या एनी अदर सिंगर फॉर दैट मैटर, कोई मायने रखता नहीं था, और मुझको वो गाना सीखना था। तो इसके लिए मैंने उषाताई से शिक्षा ली, और जैसे मैंने कहा सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी 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 झीनी, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी। तो ये सब उस कैसेट में सब जो भजन थे 2 वीक्स मैंने सिर्फ वो सुना,
वो लिखा मैंने, वो बहुत मुश्किल है कुमार जी के रिकॉर्डिंग सुन के वो शब्द लिखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर मैंने वो किया और सब जो भजन थे मैंने बिठा लिए और मैं वो उसके बाद में सब कुमार जी के भजन, उनकी उनकी बंदिशें सब गाने लगा। और मेरा सौभाग्य ऐसा था कि मुकुल काका, मैं उनको मुकुल काका बोलता हूँ, तो वो जब घर पे आए थे तो उन्होंने मेरा गाना सुना और ऊपर बैठे थे तो ऐसे थोड़ा गाना सुनने के बाद आके नीचे बैठ गए और मैंने कहा कि मुझको आपसे गाना सीखना है, तो कुछ कहा नहीं उन्होंने और एक बंदिश सिखा दी मुझको और उसके बाद मेरी शिक्षा आरंभ हुई मुकुल काका के यहाँ। और मुझको ऐसा लगता है कि गुरु क्या देता है शिष्य को, तो गुरु अपनी प्रकृति देके जाता है, वो अपने प्रकृति का बना के जाता है अपने शिष्य को।